आप इसे किसी भी मौसम में बनाइए, बहुत ही नमकीन, चटपटा और तीखा बनके रेडी होता है ये, और बहुत ही पसंद आता है सबको। आप इस तरह बनाएं चाय के साथ। हेलो फ्रेंड्स, शिविका किचन 321 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुमरा, इसको लाई भी बोलते हैं। इसका मैं आपको कुरमुरा मिक्स करके ड्राई नाश्ता बनाना दिखाऊंगी। इसको आप चाय के साथ सुबह शाम नाश्ते में आप खा सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अभी मेरा तेल गर्म हो गया है, मैंने 2 चम्मच बड़े मीठा तेल ली हूँ मैं, इसमें अच्छा बनता है। और मैं हरी मिर्च 2 काट के डाल दी हूँ और 1 चम्मच जीरा और 1 कड़ी पत्ता है और 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 मैं काला नमक डाल रही हूँ। अभी इसको से थोड़ा सा चला लेते हैं, बहुत धीमी आंच पे करिएगा नहीं तो जलने लगेगा, इसलिए जलने ना पाए बस इसको हल्का सा भूनिएगा। अभी ये हो गया है तड़का, इसमें ये मोमरा लाई मैं डाल रही हूँ। अभी इसको आप बराबर चलाते जाइए, मिलाते जाइए, आप थोड़ा थोड़ा डालिए और मिलाते जाइए। अभी आप इस तरह से, अब तो मेरे को थोड़ा सा आपको दिखाना था इसके लिए मैंने ऐसा कर दिया, इसी में डाल दिया है। लेकिन अगर ज़्यादा आपको बनाना रहे तो क्या करने का, सीधे इसको बड़े से बर्तन में इसको लाई को रख देना और इसके ऊपर से ये तड़का उठा के डाल के आप मिक्स कर लेना। और ये बहुत ही कुरकुरा एकदम बन के रेडी होता है जब। और ये लाई का मेरे घर में तो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं वो लोग, और बड़े भी खाते हैं, लेकिन बच्चों का फेवरेट है ये, और ये लोग टिफिन में भी ले जाते हैं ऐसे बना के मैं रख देती हूँ तो। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है, अभी इसको मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ। अभी मैंने गैस ऑन कर लिया है और मेरा कढ़ाई भी गर्म है और तेल भी, मैंने इसमें वापस मीठा तेल 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब ये तेल पूरा हीट हो गया है, अभी इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और 2 हरी मिर्च कटा हुआ, थोड़ी सी कड़ी पत्ता और थोड़ा सा सादा नमक, 1/2 चम्मच से भी कम, 1/2 चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है। अभी ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, अभी ये हो गया है। इसमें आप जितना आप लाई लें उससे 1/2 आप चूरा ले लीजिए, लाई का 1/2, चाहे जितना भी लाई लें उसी हिसाब से उसका 1/2 आप इसमें चूरा डाल लें। अब इसको मिक्स कर लें बराबर, इसको बराबर ऐसे आप चलाते जाइए, सीलो आंच पे आप इसको चला के भूनिएगा, हाई फ्लेम मत कीजिएगा नहीं तो क्या है पूरा चूरा जलने लगेगा। इसको हल्के आँच पर कुरमुरा एकदम भूनिएगा। अभी ये हो गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है। आप इसको क्या करें, ऐसे चला के अब इसमें से एक उठाइए चूड़ा और उसको इसे तोड़ लीजिए, जब इसे टूट जाए फटाक से समझ ही जाइएगा कि आपका भून के रेडी हो गया है।
अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी मैंने गैस को ऑन कर लिया है, कढ़ाई में मैंने ढेर सारा ज़्यादा तेल डाल दिया है और इसमें मैं ये सिंगदाना एक बाउल ले ली हूँ। आप अपने अंदाज से ले लीजिए, जितना ज़्यादा आप बनाइएगा उतना सिंगदाना कर लीजिएगा। अब इसको आप इस तरह से इसमें छान लीजिएगा, गैस को थोड़ा सा सीलो कर दीजिए नहीं तो जलने लगेगा। अभी ये भी हो गया है, देखिए एकदम बिल्कुल फूट गया है ऐसे। अभी ये इसको मैं छान लेती हूँ तेल। उसी कढ़ाई में मैं ये मकाई का एक चूड़ा आता है उसको मैं छान लेती हूँ। ये मार्केट में आपको दुकान से, किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा। इस तरह से हाई फ्लेम पे करके अब इसको ऐसे छान लीजिए। आप सिंगदाने को क्या करिए, अगर नहीं छानना है कम तेल में करना है तो सिंगदाने को आप रोस्ट करके भी हल्का सा तेल में आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिंगदाने को छाने, लेकिन इसको तो छानना ही पड़ेगा आपको। अभी ये हो गया है बिल्कुल, निकाल लेती हूँ मैं। मैंने इसमें वापस ऐसे डाल के छान ले रही हूँ। अभी इसको भी निकाल लेती हूँ। अभी मैं इन सबको इसमें निकाल ली हूँ बड़े से थाली में। अब मैं इसमें नमकीन डाल दे रही हूँ। आपको जो नमकीन पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो। मैं ये मिक्स नमकीन डाल रही हूँ, और अपने हिसाब से डाल सकते हो जितना कम बेसी आपको पसंद हो। अब इसको आप अच्छे से पूरा मिक्स कर लीजिए। ये मेरा मिक्स होके मैंने तैयार कर लिया है। अभी ये मेरा पोहा मकाई और मोमरा मिक्स, ये ड्राई नाश्ता बनके तैयार है। आप इसको इंजॉय कीजिए, चाय के साथ खाइए, जब आपका इच्छा हो तब खाइए, बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा भी, इसमें मैं एक चम्मच चाट मसाला मिक्स कर रही हूँ, और एक चम्मच मैं इसमें अमचूर पाउडर, और इसमें मैं आधा चम्मच, मैं थोड़ा ही तीखा बना रही हूँ, लाल पाउडर है ये। आपका इच्छा हो डालिए चाहे मत डालिए, क्योंकि इसमें हरी मिर्च पड़ी है इसलिए तीखा है। अब हमारे बच्चे घर पे खाएंगे इसलिए हमने थोड़ा कम रखा है तीखा, आप अपने अनुसार तीखा बढ़ा सकते हैं। अभी इन सबको आप बराबर से मिक्स कर लीजिए। आप ये मेरी रेसिपी बनाइए और आप बताइए आपको मेरा ये नाश्ता कैसा लगा। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं नई रेसिपी के साथ फिर वापस मिलती हूँ। बाय बाय।